में अरविंद फैशन टेक्सटाइल स्पेस की 90 साल पुरानी कंपनी है। मैनेजमेंट को कारोबार में काफी बढ़िया अनुभव है। लाल भाई ग्रुप की कंपनी है और इनका ब्रांड पोर्टफोलियो देखिए, सभी जो मशहूर ब्रांड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। यूएस पेलो है, एरो फ्लाइंग मशीन, कैल्विन क्लीन जैसे जो दिग्गज वेल नोन ब्रांड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक में आपको निवेश क्यों करना चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो हर तिमाही जो इनकी ब्रांड सेल्स में रिकवरी है वो काफी तेजी से हो रही है। आप आंकड़ा देखें, आप ट्रेंड देखें तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से जो है बिक्री में एक बढ़िया रिकवरी और इनफैक्ट अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो Q1 FY21 में 11% की रिकवरी थी, Q2 में अगर आप देखें तो 39% और Q3 FY21 में 86%। और जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार इस ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कब करीब करीब 114% की जो है ब्रांड सेल्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक स्टॉक में थोड़ी सी दिक्कत थी कि कर्ज ज्यादा था, लेकिन मैनेजमेंट ने इसको भी रेक्टिफाई किया और बैलेंस शीट अगर आप देखें तो फिलहाल काफी सुधरती जा रही है और मैनेजमेंट का लगातार प्रयास रहता है कि इस बैलेंस शीट को कैसे जो है वो और मजबूत करे, क्योंकि कर्ज घटाया, कर्ज इन्होंने 1244 करोड़ से घटाकर केवल 940 करोड़ के आसपास कर दिया है और आगे जाकर भी कर्ज में जो कटौती है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और बड़ा ट्रिगर ये भी आता है कि प्रमोटर्स का खुद का जो कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक पर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप लगातार देखिए प्रमोटर्स अपना जो स्टेक है, अपनी हिस्सेदारी है, इसे कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हैं। मार्च 2020 में 35.58% हिस्सेदारी जो है वो प्रमोटर्स होल्ड करते थे, सितंबर 2020 में 39.73% होगी हिस्सेदारी बढ़कर, और रीसेंट फाइलिंग के अनुसार अगर आप देखें तो मार्च 2021 अब हिस्सेदारी जो है 40.41 यानी करीब करीब देखें तो ऑलमोस्ट 5-6% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स ने बढ़ाई है। सिर्फ प्रमोटर्स का भरोसा स्टॉक पर नहीं बढ़ रहा है, आप देखिए संस्थागत निवेशक जो है वो भी इस कंपनी पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। दोनों एफआई का बीआई मिलाकर अगर आप देखें तो 19.6% जो हिस्सेदारी है वो जो संस्थागत निवेशक हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। हाई ग्रोथ कारोबार है, रिकवरी काफी बढ़िया हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह कि मौजूदा भाव के हिसाब से भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है। कंपनी का साइज बता दूं 1980 करोड़ का मार्केट कैप है और अच्छी कंपनी है और करीब 0.9 मार्केट कैप टू सेल्स पर आपको ये कंपनी मिल रही है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक सस्ता है। हाई ग्रोथ कारोबार है अनिल जी, स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स देगा। ओके, तो बढ़िया रिटर्न दे सकता है अरविंद फैशन। सर अरविंद लिमिटेड को हम पहले कवर कर चुके हैं 10 मई को और वहां से अच्छी गेंस दिखा चुका है। अरविंद फैशन इस पर क्यों करना चाहिए फोकस सर? पहली चीज तो है कि अरविंद लिमिटेड में आपको बहुत अच्छे पैसे बने हैं, 70-80 रुपए की रेंज में हमने रिकमेंड किया था, 110 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, तो मेरी राय ये होगी कि आप वहां पर प्रॉफिट बुक करके अब अरविंद फैशंस में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अब ये वो स्टॉक है जहां पर एक्शन आना बाकी है। सबसे बढ़िया बात तो ये कि ब्रांड्स बहुत ही मजबूत है इस ग्रुप के पास, जो कि जानी पहचानी हुई है। आप देख सकते हैं यूएस पोलो, एरो, साथ ही सीके, टोमी और ढेर सारी ब्रांड्स हैं जो काफी वेल नोन है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो है इससे पूरे ग्रुप की रिलेटिंग हो रही है। आप देखिए हमने अनूप इंजीनियरिंग भी रिकमेंड किया था, वो भी अरविंद लाल भाई ग्रुप की कंपनी है, अरविंद लिमिटेड हमने रिकमेंड किया था, दोनों स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। पूरे ग्रुप में अब धीरे धीरे रिस्ट्रक्चरिंग और नए बिजनेस की तरफ बढ़ने का पूरा एक्शन दिख रहा है और अरविंद फैशन भी यही करने जा रही है। देखिए कोविड में एक चीज समझ में आई कि सिर्फ आपके है ना स्टोर्स हो और वही वाले बिजनेस मॉडल पर आप चले वो नहीं चलेगा, तो अब कंपनी धीरे धीरे ऑनलाइन बिजनेस पर बहुत एग्रेसिवली आगे जा रही है और वो कंपनी के लिए मार्जिन बढ़ाने का भी काम करेगा और सेल्स बढ़ाने का भी काम करेगा। तो ये दूसरा कारण जिसकी वजह से हमें पसंद है कि एक तो मजबूत ब्रांड्स का पोर्टफोलियो और इन ब्रांड्स को अब आगे चलते हुए ब्रांडेड बिजनेस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और आप देखिए अरविंद का ब्रांड, अरविंद फैशन का ब्रांडेड बिजनेस दो साल में लगभग समझ लीजिए खाली ब्रांडेड बिजनेस अगर 1000 करोड़ होता है और आप देखिए उसके सामने आप पेज इंडस्ट्रीज देखिए, ज्योति का जो ब्रांडेड बिजनेस है वो ज्योति को 8 times सेल्स का मल्टीपल मिलता है। यहाँ पर अगर 1000 करोड़ की ब्रांडेड बिजनेस करते हैं आप 2 या 3 times का भी सेल्स मल्टीपल खाली इस बिजनेस को दें तो क्या वैल्यूएशन हो सकता है। एनीवे वो एक अलग चीज है, लेकिन दूसरी बात है कि कंपनी धीमे धीमे अपनी मुश्किलों से बाहर आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूरा क्लीनअप किया है, बैलेंस शीट क्लीनअप किया है, जो भी इन्वेंट्री लॉसेज बुक करने थे वो कर दिए, अब एकदम क्लीन होकर बैलेंस शीट आगे बढ़ाने की तैयारी में और डेट रिडक्शन का प्लान कंपनी का जो
जोर शोर में चल रहा है, ऑलरेडी 1250 करोड़ से 950 करोड़ के आसपास अपने डेट को ले आया है, यानी कि लगभग 25% डेट कम कर दिया है और डेट कम करने की तैयारी, तो बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी। अब जो साथ ही प्रमोटर्स अपनी स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स की स्टेक मार्च 2020 में 35.5% थी, अब 40.5%, एक साल में 5% जो मैक्सिमम प्रमोटर्स क्रीपिंग एक्विजिशन के जरिए बढ़ा सकते हैं उतनी उन्होंने बढ़ा दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रमोटर कितने पॉजिटिव और बुलिश है अपने बिजनेस को लेकर। मुझे लगता है कि अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें, 1000 करोड़ की सेल्स ब्रांडेड बिजनेस की, 2200-2300 करोड़ की टोटल सेल्स अगर वित्त वर्ष 2023 में अगले दो साल में कंपनी करती है, जो कि हमारा अंदाजा है, अभी लगभग 2000 करोड़ की टोटल सेल्स के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से ब्रांडेड बिजनेस में जो अब रिकवरी आती दिख रही है, वो रिकवरी इस कंपनी की रीरेटिंग कर देगी। और आपने देखा भी किस तरह से एडवांटेज दिए जा रहे हैं और ब्रांडेड बिजनेस को वैल्यूएशन अलग तरह के दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा रीरेटिंग वाला होगा। यहाँ से स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप 225 रुपए के लेकर चले, मीडियम टर्म टारगेट आपके 300 रुपए के आसपास के होने चाहिए और लॉन्ग टर्म के टारगेट हमें लगता है 350-400 रुपए तक के भी रखे तो हर्ज नहीं है। लगभग कोई टेक्सटाइल स्टॉक ऐसा नहीं रहा है जो हमारे रडार पर ना हो, गोकुलदास एक्सपोर्ट से लेकर अंबिका कॉटन से लेकर सियाराम सिल्क मिल, मतलब लगभग अरविंद लिमिटेड, जितने स्टॉक्स हम मैक्सिमम रिकमेंड कर सकते थे वो हमने किए। यहाँ पर भी हमें लगता अभी भी इस स्टॉक में अच्छी अपसाइड है, राइट इशू अभी कंपनी ने पूरा किया है तो इक्विटी भी अब आ चुकी है कंपनी के पास में, तो हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी तगड़ा दौड़ लगाने को तैयार है।